वेलकम टू सोशल। आई रियली अप्रिशिएट कि जब एक फिल्म मेकर कुछ नया करने की कोशिश करता है, चाहे उसकी फिल्म एक रीमेक क्यों ना हो। लूप लपेटा देखते हुए भी आई वॉज फीलिंग कि डायरेक्टर आकाश भाटिया ने एक मॉडर्न रीमेक करने की एफर्ट्स की हैं। दोज हू डोंट नो, लूप लपेटा इज अ रीमेक ऑफ अ 1998 जर्मन फिल्म रन लोला रन। ये फिल्म मेरी पहले फेवरेट्स में से एक हुआ करती थी और मैंने ये फिल्म अराउंड 7 ईयर्स पहले देखी थी। मुझे ये फिल्म इतनी पसंद आई थी कि मैंने इसका एक फ़ैन पोस्टर तक बनाया था। जस्ट लुक एट दिस। क्या दिन थे वो। मूवीज़ देखने का तब एक अलग ही मज़ा होता था, वेयर सिनेफाइल्स यूज्ड टू जेन्युइनली लव सिनेमा, और वो हर चीज़ को हेट या कैंसिल करने के वे में नहीं देखते थे। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, My name is V and in this video I'll be reviewing Loop Lapeta, जो कि एक Netflix फिल्म है। ये एक cinematic review होगा where I'm gonna talk about cinema and filmmaking aspects and some hidden details in the film. So इसीलिए सबसे पहले discuss करते हैं फिल्म के strong points। 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। Number 1 strong point, visual style। इस फिल्म का visual style बहुत ही amazing है। First scene से आप फिल्म के visuals को बहुत ध्यान से देखने लग जाते हो। फिल्म का कलर पैलेट रेड, ग्रीन, येलो, ऑलमोस्ट हर कलर से भरा हुआ है एंड इट रियली मेक्स यू फील कि आप एक बहुत ही हाई क्वालिटी विजुअल्स देख रहे हो। ऐसा लगता है कि पूरी प्रोडक्शन यूनिट ने फिल्म के विजुअल्स पे काफ़ी मेहनत की है एंड द रिजल्ट इज जस्ट ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन। बॉलीवुड में हमें बहुत ही रेयरली ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं, सो कूडोज टू ऑल द क्रिएटिव टीम बिहाइंड इट। Number 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी यश खन्ना ने की है, जो 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म्स इससे पहले शूट कर चुके हैं। सो दैट एक्सप्लेन्स कि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इतनी स्टैंड आउट और अबव बॉलीवुड स्टैंडर्ड क्यों लग रही थी। अगर आप ध्यान से देखो तो फिल्म में आपको 180 डिग्री टू 360 डिग्री कैमरा मूवमेंट्स, डच एंगल शॉट्स, फ्रंट फेसिंग कैमरा मूवमेंट्स, आपको ये सब देखने को मिलते हैं। अगर कोई फिल्म मेकिंग या सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए इस फिल्म में काफ़ी कुछ नोटिस करने के लिए होने वाला है। इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग विजुअल वाली फिल्म के लिए एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस फिल्म की एडिटिंग प्रियंक प्रेम कुमार ने की है और मेरे ओपिनियन में ही इज़ अ फाइन न्यू जनरेशन एडिटर। देयर इज़ अ सीन जो मेरा एडिटिंग स्टैंड पॉइंट से फेवरेट था और वो था जब कैरेक्टर्स 50 लाख की अमाउंट को मेंशन करते हैं। जस्ट लुक एट द एडिटिंग हियर। वो तुझे एक बैग देगा, उसमें होगा 50 क्या लाख 50 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 लाख। Number 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, परफॉर्मेंसेज। इस फिल्म में एक्टिंग से ज़्यादा सिचुएशंस पे रिएक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि फिल्म का नैरेटिव एक रेस अगेंस्ट टाइम नैरेटिव की तरह है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ओपिनियन में ताहिर राज भसीन ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। उनके कैरेक्टर सत्या की वजह से ही फिल्म में सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं एंड ही हैज़ रिएक्टेड परफेक्टली इन दो सीन्स। उसके अलावा देयर इज श्रेया धनवंतरी, जो फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले करती हैं, बट इन दैट स्मॉल रोल शी रियली मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। उनका फिल्म में एक मोनोलॉग सीन है जो मेरे ओपिनियन में उनके करियर का बेस्ट परफॉर्म सीन है। नाउ टॉकिंग अबाउट तापसी पन्नू, वेल लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। आई थिंक जिस तरह की फिल्म सेलेक्शंस तापसी करती हैं, उस तरह की फिल्म सेलेक्शन से मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस बहुत दूर रहती हैं। मैं इसलिए उनकी फिल्म सेलेक्शंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो किसी हीरो को देख के वो फिल्म साइन नहीं करती हैं और बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ये कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग चीज़ है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट हर एक्टिंग, आई फील कि उनकी परफॉर्मेंस हर फिल्म में मुझे सिमिलर टू सिमिलर लग रही है। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट शी इज़ अ बैड एक्टर और एनीथिंग। लूप लपेटा में भी शी गिव्स हर बेस्ट इन द रोल ऑफ सावी, बट मेरे ओपिनियन में, सिर्फ मेरे ओपिनियन में, वो अपने कैरेक्टर्स को अपनी एक्टिंग से आइकॉनिक नहीं बना पा रही हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर समवन ऑफ हर कैलिबर टू डू सो। वो फिल्म्स तो बहुत ही अमेजिंग कर रही हैं, बट उनके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उतने आइकॉनिक बन ही नहीं पा रहे हैं। यू ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपका तापसी पन्नू की एक्टिंग रेंज को लेके क्या ओपिनियन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म में क्या बेटर हो सकता था। Number 1 स्क्रीन राइटिंग। आई थिंक ये फिल्म देखने में तो बहुत बोल्ड है, पर इसकी स्क्रीन राइटिंग उतनी बोल्ड नहीं है। बहुत कुछ ऑडियंस को स्पून फीड करने की कोशिश की गई है, जो इस फिल्म के नैरेटिव को सूट नहीं करता है। फिल्म में डीपली लेयर्ड रेफरेंसेस देने की कोशिश की है, पर उसको वो नेक्स्ट सीन में ही रिवील कर देते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम एन एग्जाम्पल। मेन कैरेक्टर्स का नाम फिल्म में सत्या और सावी है, जिसका रेफरेंस इंडियन माइथोलॉजी सत्यवान और सावित्री की स्टोरी से लिया गया है। Then we also see a butterfly effect reference in the film. ये दोनों ही रेफरेंसेज अगर किसी मेन स्ट्रीम अक्षय या सलमान की फिल्म में होते तो डेफिनेटली समझ आता है कि वहाँ पे ये रेफरेंसिंग समझानी क्यों ज़रूरी है ऑडियंस को, क्योंकि वो फिल्म्स एक मासी ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। बट लूप लपेटा अपने आप को ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट और बोल्ड फिल्म दिखाती है, तो हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं था। आई थिंक दैट इज़ वेयर द फिल्म लेट्स मी डाउन एज अ सिनेफाइल। ये फिल्म आपको इसकी स्टोरी के लिए सोचने पर ज़्यादा मजबूर नहीं करती है, एक्सेप्ट द 3 लूप्स दे हैव शोन इन द फिल्म। इसके अलावा एक फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी मिसिंग है सभी कैरेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल दोनों मेन कैरेक्टर्स लवर्स हैं बट यू डोंट फील देयर लव एज ऑडियंस। वही व्हेन आई सॉ रन लोला रन आई कुड ईजिली फील कि क्यों ये लड़की अपने बेवकूफ बॉयफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही है। नंबर 2 पे जो चीज़ है जो मुझे लगता है बेटर हो सकती थी वो है विलन का ट्रीटमेंट। दिवेंदु भट्टाचार्य इज़ अ ग्रेट एक्टर जो अपनी एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं। इस फिल्म में भी उनका पहला सीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड यू रियलाइज़ कि ये इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, बट उनको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया गया है। इसलिए आई फील कि दिवेंदु डिजर्व्ड अ लॉट मोर स्क्रीन टाइम। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज फिल्म विजुअल स्टाइल पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन स्टोरी टेलिंग। मैंने जैसे कहा कि विजुअल स्टाइल इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स लाइक कि फिल्म के विजुअल्स पे इतना फोकस किया गया है कि स्टोरी का इमोशन पीछे रह गया है। एवरीथिंग अबाउट द फिल्म सीम्स कि इसको विजुअली प्लान किया गया है ना कि स्टोरी के हिसाब से। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इयर्स लेटर यू विल रिमेंबर लूप लपेटा फॉर इट्स विजुअल स्टाइल बट नॉट फॉर इट्स स्टोरी। दैट इज़ वाई आई फील कि स्टोरी का बेटर होना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स लाइक लूडो एंड सुपर डिलक्स ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टाइल, बट वहीं उनकी स्टोरी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। लूप लपेटा में यू जस्ट फोकस मोर ऑन विजुअल्स, इसलिए आई फील की स्टोरी कहीं ना कहीं और बेटर होनी चाहिए थी। नाउ कमिंग टू आर रेटिंग्स, मासी ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मासी रेटिंग फॉर लूप लपेटा इज 2 stars। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन कि इस फिल्म को मासी ऑडियंस किस तरह से परसीव करेगी, बिकॉज ये फिल्म एक मास ऑडियंस के टेस्ट की तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको ये फिल्म शायद उतनी पसंद ना आए। नाउ टॉकिंग अबाउट सिनेफाइल रेटिंग, I think this is more of an accurate rating for this film. So cinephile rating for Looop Lapeta is 3 stars. Watch it for the cinematography, color palette, and honestly, it's a really fine remake of Run Lola Run. Not a bad one at all. इसमें आपको एक सीन में even original film के references भी नजर आएंगे, like a red-haired woman in this scene and a cab service named Lola. So that is why I say कि ये film cinephiles को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस film का ये remake है, उसको Indian concept में blend करना काफ़ी चैलेंजिंग है। सो आई रिकमेंड सिनेफाइल्स को डेफिनेटली एक बार ये फिल्म देखनी चाहिए और खुद जज करनी चाहिए। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू ऑफ लूप लपेटा। आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। ऑल्सो लेट मी नो योर रिव्यू ऑफ लूप लपेटा इन द कॉमेंट्स। आई लव रीडिंग एंड डिस्कसिंग फिल्म्स विद यू, सो डू ड्रॉप अ कॉमेंट। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।